अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ वो 1974 से लेकर आज तक बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज को और हीरोइंस को नचाती रही हैं अपने इशारों पर, और वो हैं मशहूर डांस डायरेक्टर सरोज खान। 1, 2, 3, सरोज खान से मेरी मुलाकातें अक्सर हुआ करती थीं। एक दिन मैंने उनसे कहा कि सरोज, आज अपने बारे में खुद ही कुछ बताओ। तो भाई हो जाए तुम्हारी कहानी, तुम्हारी जुबानी। इस यही है कि आए थे हम लोग पाकिस्तान से। मैं पैदा हुई बॉम्बे में। पेरेंट्स कुछ अच्छे हालात के नहीं थे, इसलिए चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई। फिर न छोटों में थी न बड़ों में, ग्रुप डांसर बन गई। और फिर सोहनलाल मास्टर जी, सोनलाल साउथ, उन्होंने देखा, उन्होंने असिस्टेंट बना दिया। फिर साधना जी मिल गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पिक्चर बना रही हूँ, तू डांस डायरेक्टर बन जा। क्या बात, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दे दिया। सुनिए पहला गाना विधाता का दिया जी, सेकंड उन्होंने हीरो ऑफर किया। हीरो के बाद there was no looking back। आपने ऐसी हीरोइनों को भी नचाया है जो कथक वाली थी जी, कुछ मणिपुरी वाली भी थी जी। तो मुझे ये बताओ कि ये चार जो बड़े स्कूल हैं क्लासिकल डांस के जी, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी जी, इनमें से कौन सी हीरोइन तुम्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल लगी नचाने के लिए? सिर्फ वैजयंतीमाला, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल थी जी। मतलब उनको हर किस्म का डांस अच्छा लगता था, सिवाय एक वेस्टर्न में वो थोड़ा मार खाती थी, बिकॉज भरतनाट्यम के पैर थे तो थोड़ा बहुत अंदर चले जाते थे। और ये हो जाते थे बंदे। और उस टाइम पीरियड था हेलेन का, तो हेलेन की स्टाइल वेस्टर्न की वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो तो मतलब गैप रह ही गया आज तक। एक बात बताओ जी, तुम्हारी नजर में लड़कियां ज्यादा अच्छा नाचती हैं या लड़के? डिपेंड्स, अभी जैसा गोविंदा है तो उसके सामने तो लड़की भी अच्छी नहीं नाचती है कितना भी वो हिला ले, बिकॉज ही एंजॉयज द डांस। आजकल है ही कहाँ, चेंज है नहीं,
एक गोविंदा ले दे के है जो नाचता है। हीरोइनों में कौन सी तो बिंदा से है, बता देना सबसे अच्छी डांसर कौन है? सबसे अच्छी इस वक्त मौजूदा जी तो माधुरी के सिवा कोई नहीं है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से गायकी में क्लासिकल सिंगर्स जो होते हैं उनको फिल्मी गाना गाना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्या डांस के मामले में भी ये है? मेरे से जब भी किसी ने पूछा है कि हम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं क्या डांस सीखे, हम पहले ही कह देते हैं ना कथक सीखना। क्या होता है कथक में यू बिकम वेरी स्टिफ, क्योंकि कमर चलाना नहीं, कमर चलाना कथक में टाबू है। अच्छा, यू कैन नॉट मूव योर हिप्स, तो इट इज बेस्ट टू डू रिकॉर्ड डांसिंग। सरोज खान की और मेरी बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी दोस्ती है। 1963 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर नासिर हुसैन की एक सुपरहिट फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था फिर वही दिल लाया हूँ। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, देखो बिजली डोले बिन बादल के। तो देखिए मैं बीच में बैठी हूँ और सरोज मेरे लेफ्ट में बैठी है। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के। सरोज खान के साथ मेरी दोस्ती पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको ऐसी बातें भी बताती रहूंगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।